असंख्य अवतारों में भी 24 अवतार प्रधान है। जय जय मीन बराह कमठ नर हरि बलि वामन परशुराम रघुवीर कृष्ण कीरति जग पाव बुद्ध कल के अरुव्यास बतु हरिहंस मनवंतर यज्ञ सब है ग्रीव ध्रुव दैन धनवंतर बद्रीपति दत्त कपिल देव सनकादिक करुणा करो 24 रूप लीला रुचिर श्री अग्रदास उर पद धरो। पर 24 भी बड़े लगे उनमें से दशा अवतार हैं, दो जलचर दो बनचर दो बारीचर चार विप्र दो राव तुलसी दस दस गाय के भव सागर तर जाओ। दस में भी दिक्कत हो तो राम कृष्ण भजवा रही बारा चक्र सुदर्शन है रखवारा। राम और कृष्ण में फिर अंतर मत कर लेना क्योंकि राम ही कृष्ण है, कृष्ण ही राम है। श्री राधे, राम ही कृष्ण है और कृष्ण ही राम है। आपने कथाएं सुनी है, जब गोस्वामी तुलसीदास जी वृंदावन पहुंचे तो वहां प्रकट कर दिया महाराज, गोस्वामी जी की अनन्यता ने प्रकट कर दिया। कित मुरली कित चंद्रिका कित गोपियन के साथ अपने जन के कारण श्री कृष्ण बने रघुनाथ। अंतिम प्रश्न का उत्तर, धर्मे भागवती स्थिता, जब भगवान धराधाम से द्वापर की लीला स्मरण करके जाने लगे तो वो धर्म कहा गया, बोले धर्म भागवत में प्रतिष्ठित हो गया। उद्धव जी के देखते देखते सुकीयम यद प्रवे तेजो तच्च भागवते तथा तिरोधाय प्रविष्टो यम श्रीमद भागवतार्णवम तेने बांगमयी मूर्ति प्रदक्षे हरि वर्तते। तब से ये भागवत भगवान का बांगमय विग्रह माना जाता है। मंदिर में बैठ के परमात्मा आरती पूजा स्वीकार करते हैं, साधु ब्राह्मण के रूप में परमात्मा सेवा स्वीकार करते हैं और भगवान को जो बोलना होता है वो भागवत के रूप में भगवान संसार का कल्याण करते हैं, संदेशा सुनाते हैं। लोग कहते हैं भगवान बोलते नहीं, भगवान इस रूप में कलयुग में बोल रहे हैं। तब से श्रीमद् भागवत को पांचवें वेद की उपाधि दी गई। जैसे चैतन्य महाप्रभु जी कहते हैं कि प्रेम को पांचवा पुरुषार्थ मानो। श्री चैतन्य महाप्रभु मत मिदो प्रेमो पुमर्थो महा, ऐसे भागवत को पंचम वेद की उपाधि दी गई। सूत जी कहते सुनक वही श्रीमद् भागवत की कथा सुखदेव जी ने परीक्षित जी को सुनाया। सौनक ने कहा महाराज हमने सुना है कि सुखदेव ऐसे वीतरागी थे जो किसी संसारी के पास में टिकते नहीं थे, ज्यादा दिक्कत कोई ज्यादा समस्या हो तो टिकते भी थे इतनी देर तक जितनी देर गाय का दूध निकालने में समय लग गया। सागो दोहन मात्रेण ग्रहे सुग्रह में भिना, पर ये 7 दिन तक 18,000 श्लोक ये कैसे हुआ। और उसी क्रम में जो है वेद व्यास जी के आश्रम में नारद जी का आगमन, चतुर्श्लोकी श्रीमद् भागवत का उपदेश आदि करना, नारद जी अपने पूर्व जन्म की कथा सुना करके भक्ति का बड़ा अद्भुत उपाख्यान सुना करके वेद व्यास जी के जीवन में भक्ति की स्थापना करना, और उसी क्रम में यद्यपि भागवत में सुखदेव जी के जन्म क्रम की कथा तो नहीं है पर कौशिक संहिता आदि में सुखदेव जी के जन्म क्रम की जो कथा मिलती है उसका संक्षेप में आनंद लेते हुए आगे की ओर बढ़ेंगे। एक बार कैलाश में नारद जी का आगमन हो गया। श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्री हरि नारायण नारायण नारायण।
पार्वती जी ने गुरु जी का बड़ा स्वागत सत्कार किया, चरणों में बैठ गई। नारद जी ने पूछा, बावरी तुमको महादेव प्रेम करते हैं? पार्वती जी गदगद होकर कहने लगी, गुरु जी आपकी कृपा से बहुत प्रेम करते हैं। नारद जी ने कहा, बावरी ये बड़े लोग हैं, जैसे हाथी के दांत देखने के और खाने के और होते हैं, ऐसे ही इनका मामला गड़बड़ गड़बड़ लगता है। मुझे तो लगता है कि जब ते सती जाई तनु त्यागा, तब ते शिव मन भयो विरागा। तो सती को प्रेम करते थे। नहीं गुरु जी, आधे शरीर में मेरा शरीर प्रकट करके दिखा दिया। नारद जी ने कहा, ये मानेगी नहीं, बता ही देता हूं। और नारद जी ने कहा, बाबरी ये बता, तो इतनी बड़ी प्रेम 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 चिल्ला रही है, तो तू ये बता कि नर मुंडों की जो माला गले में महादेव के है वो किनकी है, बताया कभी? पार्वती जी ने कहा, सो तो नहीं बताया। नारद जी ने कहा, तो खाक प्रेम करते हैं। श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण समाधि से उठे पहुंचे तो रोज तो रोली मोली पान सुपारी लेकर के पार्वती आरती करती थी, फिर अंदर ले जाती थी। आज तो महादेव पहुंचे, पार्वती का पता नहीं, मान करके बैठ गई, नाराज हो गई। महादेव ने आवाज लगाई, जय जय, नहीं बोली। पर जब प्रेम में महादेव ने कहा, बाबरी कहां मर गई, तो प्रेम की आवाज तो पत्थर भी सुनता है। पार्वती ने कहा, महादेव जी ने कहा, क्या हो गया, तेरे गुरु जी आए थे क्या? पार्वती जी ने कहा, आपको कैसे पता मेरे गुरु जी आए थे? महादेव ने कहा, मुझे पता है, जाके घर में तेरे गुरु जी जाए ना, वाकी ट्यूनिंग तेरी जैसी हो जाती है, इसलिए मुझे पता है। बता क्या कह के गए? बोले, आओ बैठिए, भोजन करिए। महादेव ने कहा, नहीं 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 पार्वती, तेरे मन में संशय है, दोबारा गलती नहीं करूंगा जबरदस्ती। संशय को पालना नहीं चाहिए, संशय को तो निकाल देना चाहिए। संशय आत्मा विनश्यति, जिसके प्रति हमारे मन में संशय होता है वो तो मस्ती में रहता है, परंतु हम अंदर अंदर सड़ते रहते हैं। बोलिए, सदगुरुदेव भगवान की जय। श्री आनंद पीठाधीश्वर जी महाराज की जय। श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण
पार्वती ने पूछा, नाथ आप मुझसे छुपाते हैं, आपने मुंडों की माला का रहस्य नहीं बताया। महादेव ने कहा, देवी तूने पूछा नहीं, मैंने बताया नहीं, आज तूने पूछ दिया तो बता देता हूं। इसमें अधिकांश तेरे हैं और कुछ मेरे भक्तों के हैं। पार्वती जी ने कहा, मेरा तो लगा हुआ है। महादेव ने कहा, ये इस जन्म का लगा है, जब जब तू सती रूप में आती रही और तेरा वियोग मैं नहीं सहन कर पाया, मैं तेरे मुंड को अपने माला में पिरोता गया। सुन करके पार्वती का हृदय पिघल गया। नाथ मेरी इतने अवतार हो गए और आप वही हैं। महादेव ने कहा, हां मैं वही हूं। पार्वती ने कहा, तो आप कौन सी औषधि लेते हैं, आप कौन सी औषधि लेते हैं? महादेव ने कहा, ये राम नाम की औषधि खरी नियत से खाए, भव बाधा व्यापे नहीं, सहज मुक्त हो जाए। बावरी, मैं ये राम नाम कथा की औषधि का सेवन करता हूं। मैं अविनाशी हूं, मैं कथा अमृत का पान करता। नाथ वो अमर कथा आप मुझे भी प्रदान कीजिए ना, जिससे आपका मेरा कभी वियोग ना हो। क्योंकि विश्वास तब तक स्थिर है जब श्रद्धा साथ होती है। यदि श्रद्धा नहीं होगी तो विश्वास टिक सकता है, पर श्रद्धा साथ में रहेगी तो विश्वास अचल रहेगा। बट विश्वास अचल निज धर्मा, तीर्थ राज प्रयाग सुकर। विश्वास ही बट है, और बट में पूजन किसका होता है? महादेव का। पीपल में भगवान नारायण वासुदेव के रूप में पूजे जाते हैं, तो बट में महादेव पूजे जाते हैं। बट में कभी पतझड़ नहीं होता, ऐसा वृक्ष है। यानी विश्वास में संशय रूपी कभी पतझड़ नहीं होता। कब? जब श्रद्धा साथ होती है तब। भवानी शंकर वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिण। नाथ इस श्रद्धा को साथ रखे ना, और श्रद्धा साथ में विश्वास के तब रहेगी जब कथा मिलेगी। श्रद्धा जिंदा तब रहेगी जब कथा मिलेगी। यदि कथा नहीं मिलेगी तो श्रद्धा भी समाप्त हो जाएगी। महादेव ने कहा, बाबरी ये अमर कथा है, ये वो नगमा नहीं जो हर साज पे गाया जाए, कथा है। यहां कैलाश में नहीं हो सकती, यहां कोई आएगा कोई जाएगा, चलना पड़ेगा। पार्वती जी ने कहा, कहीं भी चलना पड़े पर आप मुझे कथा प्रदान करें। कैलाश से महादेव नीचे उतर रहे हैं, एक कथा की महिमा। अहंकार शिव बुद्धि अज, बुद्धि के देवता ब्रह्मा जी हैं, अहंकार के देवता महादेव हैं। कैलाश अहंकार का प्रतीक है, ऊंचाई टापू। कथा यदि सुनना है तो अहंकार रूपी कैलाश से नीचे आना पड़ेगा, ये महादेव ने खुद बताया। दिल का हुजरा साफ कर, अरे जाना के आने के लिए, ध्यान औरों का हटा उसको टिकाने के लिए। एक दिल
लाखों तमन्ना फिर भी उसमें ज्यादा हविस, फिर ठिकाना है कहां उसको बिठाने के। सीट एक है, यदि अहंकार बैठ जाएगा तो फिर कथा कहां बैठेगी। पार्वती को साथ में लेकर नंदी में सवार होकर महादेव कैलाश से नीचे चलते हैं, कहां पहुंचे अमरनाथ। जैसे अमरनाथ के सन्निकट पहुंचे, महादेव ने विचार किया कि ये नंदी साथ में है, गले में घंटी है, ये कथा में डिस्टर्ब करेगा, घंटी टुन टुन की आवाज होगी। महादेव ने नंदी को कहा यहीं रुकना, मैं आता हूं। जिस जगह पर नंदी को अस्थाई किया उस जगह का नाम पड़ गया बैलगांव। आज उसे पहलगांव के नाम से जाना जाता है, उसका नाम बैलगांव है। वहां से आगे बढ़े महादेव तो कलकल निनाद करती हुई गंगा जटा में विराजमान थी। महादेव ने विचार किया ये भी कथा में डिस्टर्ब करेगी। गंगा को जिस स्थान पर रखा उस स्थान का नाम पड़ गया पंचतरणी। जो लोग अमरनाथ गए होंगे दृश्य सामने है। आगे बढ़े तो काले पीले हरे नीले आभूषण थे। महादेव ने कहा ये भी कथा में डिस्टर्ब करेंगे, ज्यादा प्रसन्न होंगे ना। उतार के सबको एक जगह रख दिया, उस जगह का नाम पड़ गया शेषनाग। वहां से महादेव आगे बढ़े तो लंबोदरम परम सुंदरम एक दंतम, गजानन गोदी में थे। महादेव ने कहा बेटा तो है, अच्छा भी लगता है, प्यारा भी लगता है, परंतु कथा में डिस्टर्ब करेगा तो भी अच्छा नहीं लगेगा। कथा समाधि का विषय है, कथा समाधि का विषय है। जब तक आप डूबोगे नहीं तो डूबो नहीं सकते हो। संसार में डूबोगे मर जाओगे, पर कथा में डूबने से तर जाएगा। डूबना पड़े। और महाराज शंकर जी ने विचार किया, गणेश जी को कहा देख भाई तू यहां बैठ, अभी आते हैं। जिस स्थान पर गणेश जी को बिठाया उस स्थान का नाम पड़ गया गणेश टापू। जो अमरनाथ की गुफा के पास में ये जहां गरम गरम जल मिलता है, 50 रुपया बाल्टी, नॉर्मल जल 50 रुपया बाल्टी रहता है, वो गरम है वहां का। वहां से आगे बढ़े गुफा में प्रवेश करते हैं। यद्यपि वहां कोई जीव जंतु था ही नहीं, परंतु फिर भी महादेव ने डमरू का उद्घोष किया कि इस कथा को कोई अनाधिकारी ना सुन ले। पात्र के द्वारा वस्तु के गुण और दोष भिन्न भिन्न हो जाते हैं। अनाधिकारी कथा को सुन लेगा तो वो समाज में नाना प्रकार की विकृति पैदा करेगा। भगवान ने ऐसा किया तो हम, अरे तू कैसा कर रहा है, तुझे पता है भगवान ने क्यों किया, कैसे किया, कब किया, ये किस लिए किया, ये कारण कोई नहीं जानता, परमात्मा जानता है। पर परमात्मा की लीला में उंगली वही उठाता है अनाधिकारी, वही स्वाति की बूंद है, वही स्वाति की बूंद है। सीप पर पड़ती है तो मोती बनता है, जिसकी कीमत अनमोल है, कहां मिलता है, बड़े मुश्किल से प्राप्त होता है। तो बाजार में वो तो चल रही है दुकानदारी सबकी। सीप में पड़ता है तो मोती बनता है, वही स्वाति की बूंद केले के वृक्ष में पड़ती है तो कपूर का निर्माण होता है, वही स्वाति की बूंद यदि नाग के सर्प के मुख में पड़ती है तो पॉइजन बनता है। बूंद वही है पर पात्र के अनुसार गुण और भेद अलग अलग होते हैं। इसलिए कथा का पात्र होना बहुत जरूरी है। गूढ़ौ तत्व न साधु दुरावहि, आरत अधिकारी तहां पावहि।
यद्यपि कार्पण्यता दोष है। गीता में भगवान कहते हैं अर्जुन को, खबरदार, कार्पण्य दोषोपहत स्वभावात्, पर भक्ति में कार्पण्यता शोभा है, भक्ति में कार्पण्यता शोभा है, क्योंकि जब तक हम कार्पण्य होकर के भगवान का यजन नहीं करेंगे तब तक वो परमात्मा मिलने वाला नहीं है। छह प्रकार की जो शरणागति है उसमें कार्पण्यता को एक प्रकार की शरणागति बताया। आनुकूलस्य संकल्प प्रतिकूलस्य वर्जनम रक्षस्थित विश्वासो गोप्तित्वं वर्णम तथा आत्मनिक्षेप कार्पण्य खड़विदा शरणागति। छह प्रकार की शरणागति में छठवें नंबर की शरणागति है कार्पण्यता। जो चार प्रकार के भगवान के भक्त हैं, ज्ञानी अर्थार्थी जिज्ञासु, पर चौथे नंबर में आर्थ, ज्ञान हो जाए परंतु यदि आर्थ भाव नहीं है, आर्थ सबके साथ लगा है, जिज्ञासु के साथ भी, अर्थार्थी के साथ भी और ज्ञानी के साथ। इसीलिए नित्य प्रति हम लोग आरती का आश्रय लेते हैं, आसमंतात रति सा आरती। भगवान आतत्राण है जो आर्त की रक्षा करते हैं। आतत्राण परायणो स भगवान नारायणो मे गति। और महाराज अनाधिकारी श्रवण न कर ले इसलिए डमरू का उद्घोष किया। कुछ लोग कहते हैं शंकर जी ने सोचा कि एक को अमर कर दिया रावण को तो मुसीबत बन गया, दूसरा कथा सुन लेगा अमर हो जाएगा। नो नो, महादेव तो वसुदेव कुटुंबकम समकरोति कल्याणम, तो शंकर है, शिव है, कल्याण की मूर्ति है, कल्याण का स्वरूप है, वो ऐसा नहीं सोच सकते। उन्होंने इसलिए उद्घोष डमरू का उद्घोष किया कि अनाधिकारी ना श्रवण कर ले ताकि कथा की गरिमा बनी रहे। आज क्वांटिटी बढ़ गई, क्वांटिटी बढ़ गई पर क्वालिटी घट गई। और महाराज महादेव ने डमरू का उद्घोष किया, पहले तो कोई था नहीं, जो भी था सब पलायन कर गए। कथा प्रारंभ हुई, कथा में सोता हूं ज्यादा तो शांत बैठ के सुने, जब दो ही हूं तो एक जैसे कहानियां माताएं बहनें करती रहती है, एक राजा था दूसरी कहती हूं, एक रानी थी हूं, उसके तीन बच्चे थे हूं, हुकारी की परंपरा। महादेव समाधि में कथा कहने लगे, पार्वती हुकारी बनने लगी, हुकारी इसलिए उपस्थिति, यस सर, क्योंकि सुनाने वाला समाधि में है, उसे पता चले कि मैं सुना रहा हूं तो कोई सुन रहा है, कहीं ऐसा ना हो कि सुनने वाला गया, सुनाने वाला सुनाया जा रहा है, इसलिए हुकारी की परंपरा। और महाराज पार्वती हुकारी दे रही थी, कथा शुरू हो गई। इतने पर वर्णन आता है, सुख सारिका जानकी जाए, सुख सारिका जानकी जाए, सुख सारिका जानकी जाए, सुख सारिका जानकी जाए, सोने के पिंजरे में पढ़ाया था।
वही सुख साकेत से प्रभु लीला का रस स्वादन करने के लिए वहां पर शुष्क अंडे की तरह गलित वहां से गिर गए।